हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाना सिखा रहा हूँ चॉकलेट सैंडविच। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चीज़ स्लाइस, जी हाँ एक चीज़ स्लाइस लगेगा इसमें, और इसमें कुछ मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं चिप्स, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। एंड बटर, मैंने इसमें न्यूट्रीलाइट बटर यूज़ किया है। एंड जो चिप्स हैं इसके बदले फ्रेंच फ्राइज यूज होते हैं, बट मैंने इजीली करने के लिए इसमें चिप्स यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप, मैंने दो चॉकलेट्स ली हैं, एक कैडबरी की डेरी मिल्क, नेस्ले की मिल्की बार है। एंड यहाँ मैंने डॉक्टर ओटकर का चॉकलेट स्प्रेड, वो मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ किए हैं। चलिए बनाना सिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और टेस्टी बहुत है। ये वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए, मैंने एक ब्रेड स्लाइस और थोड़ा सा मैंने ये बटर यूज़ किया है। और इसमें आप न्यूट्रेला आता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है, न्यूट्रेला भी लगा सकते हैं। न्यूट्रेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छे से लगाएं हर एक कॉर्नर पे, हर एक एजिस पे। जब आप जिस तरफ से भी बाइट लें तो आपको चॉकलेट का फील आए, बिकॉज ये चॉकलेट सैंडविच है। जी हाँ, चॉकलेट सैंडविच है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों में लगा दिया है चॉकलेट स्प्रेड, और एक पे मैं रख रहा हूँ ये चीज़ स्लाइस। मैंने इसको निकाल दिया है पैकेट में से। आप देखिए, मैंने ऊपर से बटर लगा दिया है, बट मैंने इसको करा है ऐसे तवे पे। देख सकते हैं, मैंने ऊपर से एक लिड रख दिया है, अंदर से जो चीज़ है उसको थोड़ा मेल्ट कर दे। जी हाँ, अब एक मिनट बाद, सिर्फ एक मिनट बाद आप इसको हटा सकते हैं। विद इन वन मिनट्स रिमूव दिस लिड एंड इसको फ्लिप कर दें, इसको पलट दें। अब इसका मेल्ट हो चुका है अंदर का चीज़, अब मैं इस पे लिड नहीं रखूँगा। जी हाँ, मैं इसको दोबारा फ्लिप करूँगा, इसको पलटूँगा। ये बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया कलर आया इसमें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखें, ज़्यादा तेज़ ना फ्लेम रखें। स्लो फ्लेम पे इसलिए रखें, और तेज़ रखेंगे तो आप इसका, आपका ब्रेड नीचे से बिल्कुल जल सकता है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखें, और एक बार दोबारा इसको पलट दें देखने के लिए कि नीचे से कैसा कलर आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया कलर आया। अब मैं जो चॉकलेट स्प्रेड था, इसको एक तरफ से मैं अच्छे से लगा दूंगा चॉकलेट स्प्रेड। देख सकते हैं आप, मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे इसको निकाल लिया है, रख दिया है, और इसको मैं दो पीसेस में को कट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैं इसको 1/2 पीसेस करके, अरे वाह, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। ये थोड़ा सा चॉकलेट ग्रेट करते हुए वीडियो स्किप हो गई थी, सो सॉरी। आप चॉकलेट जो मैंने दिखाई थी आपको, वो चॉकलेट को आप अच्छे से इसमें ग्रेट कर सकते हैं। ये वाइट चॉकलेट मैं ऊपर से कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा दिखने में, वैसे वाइट चॉकलेट का कोई पर्पज़ नहीं था, बट वाइट चॉकलेट का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आया जब मैंने इसको टेस्ट किया। ये मैंने ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल